गुंडस्ताप के समय करता छबल को ठीक होंगे। नहीं मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने दो ग्रीन पिजर है तो बीमार हो गया है। मैंने वो जीबा कर रही हूँ, आपकी मैंने चाचू की डैडी है वो लेके आ रहा है। जी दोस्तों, ये ना ये हमारे हो गए थोड़े से डाउन ना, दो थे ये आठ थे, इसमें से ना कुछ बीमार हो गए, उस वजह से वो हमने ना जिबा करके वो जमीन में दबा दिए। उसके बाद मैं लेके आया था कज़न से, वहाँ से ताए के लड़के से ना, तो अब ये वापस दे रहा हूँ उसको ना, ये इनकी देखभाल भी अच्छी कर लेगा। ये अब लेके जा रहे हैं हम, ये देख सकते हैं आप, बस ना ये इस वजह से तो दिल तो काफ़ी अफसरदा है मतलब ना, तो इंशाल्लाह ना मैं उधर जाके वीडियो बनाया करूँगा। ये देखे जी लेके आ रहे हैं ये, तो इसको अभी हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे इसको, यहाँ से भी गुजरना मुश्किल होगा थोड़ा सा ख्याल से भी। ये देखे इसके काम देख ले, पक्षी पड़ रहा है ये, और सबर यार सबर सबर सबर। एक एक बोरा तो ये जी फाइनली यहीं से मैं लेके गया था, यहाँ पे हम इसको छोड़ रहे हैं। अब ये आ गया जी, आप रख लिया यहाँ पे, अब कद कर रहे अब मेरी भी साथ। ये जी सरफराज उर्फ भोला, इसको बहुत शौक है बर्ड्स का ना, इसने कबूतर भी रखे हुए काफी सारे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो दूसरे खुड्डे में। ये देखें इस खुड्डे में इसने काफी सारे कबूतर रखे हुए, इसको ना खोलने लगा भी। ओहो चुप यार क्या हुआ, ये डोगी है ये तंग कर रहा, अभी दिखाता हूँ आपको, अभी खुड्डा खोलने लगा भोला ना। ये देखें कितने सारे अभी बाहर निकलेंगे ये आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें अभी दाना डालने लगा, अभी ये बाहर निकलेंगे सारे। ओहो आना शुरू हो गए, आ जाओ भी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सबसे पहले एक आ गया, और ये सारे ही आला और नस्ली कबूतर हैं। ये देखें बाकी भी बाहर आना शुरू हो गए। बाकी भी और भी आना शुरू हो गए। लो जी अब आएंगे सारे, अब भाई ना खुद ही निकाल रहा सारे ना। ये आप करीब से देखें कितने खूबसूरत हैं ये, और आला ही नस्ल के हैं ये सारे ना, बहुत नस्ली हैं। ओह अब आना शुरू हो गए सारे, आह क्या बात है। आ जाओ भी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दाना लो ये भी आ गया माशाल्लाह, देखें कितने सारे हैं ये। जी दोस्तों सारे निकाल लिए, ये है जी छोटी सी मानो मेरे साथ, क्या हाल है बोल से नहीं। हाँ श्री है। ये देखें जी ये सारे कबूतर हैं, इनको दाना वगैरह डाल दिया, इस भाई को बहुत ज़्यादा शौक है, हमारे इलाके में मशहूर है इसको ना, सरफराज उर्फ भोला कहते हैं इसको। जी दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, और इस भाई ने काफ़ी सारी बकरियां भी रखी हुई हैं, ये देखें आप वो काओ रखी हुई है बकरियां, और फुल देसी माहौल बनाया हुआ है यहाँ पे, रोगी भी रखा हुआ है। ये देखें ये ना बीमार हो गया था इस वजह से ना, कौन सी नस्ल है ये पेंटर, ये पेंटर ये बीमार हो गया था इस वजह से, इसकी ना पसलियाँ नज़र आ रही हैं, और तेज़ बहुत है ये, काट भी लेता है।